इस इग्निस का ये बेस वेरिएंट लिया। बेस वेरिएंट में आपको पता ही है कि भाई बेस वेरिएंट शौकीन लोग हैं ना, मक्खन होता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो गाड़ी को। बेसिक रिक्वायरमेंट से वो 25-30 हज़ार में अपना हो जाएगा। मारुति बेस वेरिएंट में कुछ नहीं देती है, खाली एक डब्बा सा देती है, आपको दिखा देता हूँ। बट हम फास्ट प्रोसेसर वाले यानी कि T5 लगा रहे हैं। देख लो भाई, सब कुछ लाइव आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि काटा पीटी हुई हो, सब कुछ आपके सामने है। जो भी पॉइंट्स है कपलर टू कपलर फिट हो गए हैं। मैंने बोल दिया एक सीट छोड़ दिया, मुझे तो नींद आने लगी वेट करते करते, मैं तो थोड़ी देर सोऊंगा। मैं यही देख रहा था ऐसे 25-30 हज़ार रुपये का, जैसे मेरा भाई रुपये की बजट है, उसमें बेसिक सारी चीज़ें हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता है, जो भी वो सब आपको मिलने वाला है। तो अपने इग्निस का जो स्टीयरिंग व्हील है आप ये देखो, हमने निकाल लिया है बाहर, और इसमें जो तो हेलो गाइज, वेलकम टू कारखाना। और अब मैं एक गाड़ी में ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भाई की गाड़ी है इग्निस, और ये मेरा भाई है, कजन ब्रदर है मेरा प्रदीप। तो प्रदीप ने अभी जस्ट ये भी गाड़ी खरीदी है, मारुति की इग्निस खरीदी है, और इस इग्निस का ये बेस वेरिएंट लिया। बेस वेरिएंट में आपको पता ही है कि भाई बेस वेरिएंट शौकीन लोग हैं ना, मक्खन होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो गाड़ी को। और प्रदीप, ऐसा कोई बजट बना के आए घर से कि हाँ इतने बजट में काम करवाना है? यार देखो, मेरा तो अभी है कि दो पार्ट में मैं काम करवाऊंगा, ठीक है। मेन अभी मेजर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो 25-30 हज़ार में अपना हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेवल मॉडिफिकेशन उसके बाद नेक्स्ट मंथ देखेंगे। चलो ये बढ़िया है। तो आज मैं यही देखना चाहता हूँ जैसे 25-30 हज़ार रुपये का, जैसे मेरा भाई बोल रहा है कि बजट है, उसमें बेसिक सारी चीज़ें हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता है, जो भी वो सब आपको मिलने वाला है। बाकी अगर मैं थोड़ा बहुत ना गाड़ी के बारे में आपको दिखा देता हूँ, तो क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो भाई यहाँ पर सिस्टम नहीं आता, सबसे पहली बात। तो स्पीकर्स भी नहीं आए होंगे, है भाई, सिस्टम तो आता नहीं है। स्टेयरिंग पे भी कोई ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, बाकी सब चीजें आगे। मैं सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ इस गाड़ी में क्या क्या आया है इस बेस वेरिएंट में। एक यहाँ पर स्पीडोमीटर आप देखोगे किस तरह से है, बिल्कुल ही लाइक अब क्या बोलते हैं बेस वेरिएंट में, और क्या ही मांगोगे, ठीक है। तो डिजिटल वाला चाहिए एनालॉग मीटर, ये एनालॉग मीटर है, डिजिटल वाला चाहिए तो वो आपको लगाना पड़ता है, वो भी मेरे ख्याल मिल जाता है ना प्रदीप उनके पास जहाँ पे हम जा रहे हैं, आफ्टर मार्केट वो भी मिल जाता है। और देखो बेसिक सही है, ठीक है, लेकिन मैं बेसिक वाले मॉडल को ज्यादा अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि यार रात दिन देख रहा हूँ यहाँ पे काम होता है, तो अपने हिसाब से जब आप चीजों को कस्टमाइज कराते हैं ना तो वो उसकी एक बात अलग होती है। लाइक आप इसको भी सॉफ्ट टच करवा सकते हो, ठीक है, इसको क्रोम में आप करवा सकते हो डोर हैंडल्स को, तो ये सारी चीजें हैं। गियर नॉब आप चेंज करा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आर्मरेस्ट लगवा सकते हो, सीट कवर तो यार अलग अलग तरीके के आते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे वहाँ पहुँच करके और क्या क्या चीज़ें हम करवा सकते हैं। लैंप में इसमें येलो लाइट होगी, इसको हम भाई वाइट करवा सकते हैं, वो वाइट करवा ही लेंगे यार इसको, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि अब मैं आपको धीरे धीरे आगे ही दिखाऊंगा। और आपने भी अगर इग्निस ले लिया या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर मॉडिफिकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा आइडियाज आपको इसमें ना आज मिलने वाला है। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं करोल बाग में, और श्री गुरु नानक कार एसेसरीज मोटर्स पे हम आ चुके हैं, और अपनी गाड़ी में ना काम यहीं पे फाइनल हुआ। कौन कौन सी चीज़ें भी करेंगे सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगा, अनबॉक्स करके भी दिखा दूंगा कि कौन सा सिस्टम हमने सिलेक्ट किया और क्या है। हम इसमें जो सिस्टम लगवा रहे हैं वो लगवा रहे हैं टेस्ला की स्क्रीन लगवाएंगे, 9 इंचेस की ये स्क्रीन होगी। और आपको बता दूँ इसका मॉडल, इसमें सेम दो तरह के मॉडल आते हैं, एक आता है T7 और एक आता है T5। तो T7 वाला मॉडल भी यहाँ पर है, मैं जैसे आप यहाँ पर देख रहा हूँ ये सब ऊपर लगाए, जैसे ये देख रहे होगे T7 यहाँ पर लगा हुआ है। बट हम फास्ट प्रोसेसर वाले यानी कि T5 लगा रहे हैं, सही बोल रहे हो ना भैया? बिल्कुल सही, T5 वाला ज़्यादा फास्ट है, वो ज़्यादा फास्ट है, तो मतलब कि T5 ज़्यादा फास्ट है, तो हमने फास्ट प्रोसेसर वाला लगाया। और दिखा देता हूँ उसमें ये स्क्रीन है कैसे, एक बार दिखाओ भैया अगर अनबॉक्स करी दो। और ये कारप्ले वाला सिस्टम है ये भी आपको दिखा दूँ मैं, ये आपका टेस्ला का हो गया T5, ठीक है। और टेस्ला की बैजिंग भी यहाँ पर आप देख रहे हो, भी आपको मिल जाएगी आगे पीछे, आपका ये आगे का प्रॉप फ्रंट है, स्क्रीन आ गया आपका, ठीक है, ये 9 इंचेस की स्क्रीन है, 9 इंच का, इसके साथ ये फ्रेम लगेगा आपका और कपलर लगेगा आपका, सारा कुछ कनेक्ट भाई देखो, तो कपलर टू कपलर यहाँ पे काम होगा, ये आप इसका कपलर देख सकते हो, ये देखो, तो कोई वायर कटिंग वैसे कोई मामला नहीं है ना, कुछ भी नहीं, सारा ओरिजिनल कंपनी फिटेड होगा, सारा ओरिजिनल कंपनी फिटेड माल यहाँ पर है। और ये रहा इसका फ्रेम, ये देखो, जो कि ये इग्निस के लिए ही है, तो ये इग्निस में ये वाला फ्रेम लगेगा, अगर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी तो उसके लिए अलग फ्रेम आता होगा। कैमरा भी है ना, कैमरा का भी बात करो आप भैया,
अच्छा तो कैमरा भी कई लोग देखते हैं बम्पर में उसके ड्रिल मशीन के लगा के सुराख करके फिर लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका बोनट में लगेगा जैसे कंपनी लगा के देती है ना। ठीक है, सेम वहीं पे लगेगा ये बोनट में भी। ओके, तो ये बोनट में ही लगने वाला है और इसके लिए कोई सुराख वैसे नहीं करना बना होगा अलग से। ठीक है, और ये भी कपलर टू कपलर होगा? कपलर टू कपलर होगा, आपको ये वारंटी कार्ड दूंगा मैं, आप ये लेकर आना, एक साल की होगी। इसमें आपको मैं रिप्लेसमेंट करके नहीं दूंगा, ठीक है, आपको नया पीस दूंगा मैं, ये उतार के अपना रख लूंगा, नया पीस आपके गाड़ी में लगा के दूंगा। वेरी गुड, तो भाई ये सही है। और कितनी वारंटी मिल रही है इसकी? एक साल की। एक साल की, और सिस्टम की भी है? सारा कुछ का एक साल का वारंटी है, कभी भी आप आ जाना। ओके, तो मतलब सीधा रिप्लेस हो जाएगा हमारा, है ना? नहीं होगा, नया पीस मिलेगा आपको। तो नया पीस मिल जाएगा। ओके, नया पीस आपको लगा के दूंगा। ठीक है, बाकी मैं इसकी वायरिंग देख रहा हूँ, वायरिंग है उसका। तो ये हैवी वायरिंग तो होती है ना भैया? जी भैया। ओके, बाकी इसमें पेन ड्राइव सिस्टम भी है? जी, टेस्ला वाला खुद देता है ये वायरिंग। आ चुके हैं आप हम अपनी गाड़ी के पास में, अभी तो काम स्टार्ट हुआ नहीं है, बट अभी अब जल्दी से जल्दी हम कर देंगे स्टार्ट। कैमरा में भी हम बात कर रहे थे कि इसकी बॉडी में होल करवाया जाए या फिर यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पर कराया जाए। मैं तो बोल रहा हूँ यहीं पर करवा लेते हैं, होल कराने की जरूरत है ही क्या। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर किसी ने मार भी पीछे से तो उसको डैमेज रहने का रिस्क है। बिल्कुल, तो इसलिए भाई हम सोच रहे हैं कि अभी इसमें ऊपर ही लगवाएंगे, और उससे ना क्या है ना कैमरा भी थोड़ा सेफ हो जाता है, अंदर की तरफ रहता है। तो इस वीडियो में ऐसे नहीं कि हम बेस टू टॉप सारी चीज़ें करा रहे हैं, आज ऐसा नहीं है, बट एक कम से कम बजट में आप क्या क्या चीज़ें करवा सकते हो वो आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिल जाएगा। अपने JBL के हरमन वाले जो स्पीकर्स हैं ना वो अब आ चुके हैं यहाँ पर। और ये अपना स्पीकर, तो भाई फाइनली बड़ी देर के बाद अपनी गाड़ी में काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि भैया थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। और अब सामने का जो पैनल है ना, मारुति बेस रेट में कुछ भी नहीं देती है, खाली एक डब्बा सा देती है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके अब अपना सिस्टम लगने वाला। तो ये देखो भाई कपलर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, आप मैं दिखा दूँ तो कोई कटिंग वटिंग का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ठीक बोल रहा हूँ भैया? हाँ बिल्कुल भैया। तो भाई जैसा भैया बता रहे हैं कि कोई कटिंग वटिंग नहीं होगी, सब कुछ अभी दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। और टाइम काफ़ी हो गया, बस एक ही प्रॉब्लम है, टाइम ज्यादा हो गया, काफी हो गया, आज थोड़ी शॉर्टेज चल रही है लोग। तो कपलर से कपलर को अब जोड़ दिया है, देख रहे हो भाई सब कुछ लाइव आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि काटा पीटी हुई हो, सब कुछ आपके सामने है, जो भी पॉइंट्स है ऐसे कपलर टू कपलर फिट हो गए हैं, एक भी वायर यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी ऑलरेडी जो कंपनी ने जो कपलर दिए थे और जो इस सिस्टम में लग के आया था, इन दोनों को मैच कर दिया गया और अब ये यहाँ पर लग गया है। बाकी अभी आपको दिखाएंगे वर्किंग कंडीशन में भी, तो उसका भी वेट करो आप भाई। तो अपनी एक सीट जो है ना वो तो निकाल के ले गए, अब दूसरी सीट भी अब काम चल रहा है, दूसरी सीट भी खोल रहे हैं। सिस्टम अभी सिर्फ अभी लगा दिया है यहाँ पर, अभी कुछ ज़्यादा सेटिंग वेटिंग करी नहीं है अभी, ये सब बात का प्रोसेस है। बट अब सीट लेके जा रहे हैं, मैंने बोल दिया एक सीट छोड़ देना, मुझे तो नींद आने लगी है वेट करते करते। मैं तो अभी थोड़ी देर सोऊंगा, जब तक ये दोनों सीटों पर काम नहीं हो जाता तब तक मैं थोड़ी देर आराम करूँगा भाई। और जैसे धीरे धीरे अभी काम, भाई बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है भाई, थोड़ा सा मौसम का भी है, अभी देख लेते हैं कैसे। भाई मुझे तो नींद आने लगी थी, भैया ने मुझे उठा दिया कि मैंने तो सोचा था भैया ये वाली सीट छोड़ दो मैं सोऊंगा, और भैया ने बोला मैटिंग करनी है इसलिए आपको उठना पड़ेगा, नींद ख़राब कर दी यार। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पहले हम अपनी फ्लोरिंग करवाएंगे, भैया लगे मैं दिखा दूँ आपको, भैया के साथ दोनों भी लगे हुए गाड़ी में, हम दोनों भी लगे हुए भाई। मैं तो सो गया था, एक नींद तो मैंने ले ही ली थी, और अब देख लेते हैं अभी। और स्टेयरिंग कवर पे भी अब काम चालू हो चुका है, अब इसको रैप किया जा रहा है, स्टिचिंग का काम शुरू करवाएंगे। और आपको मैं धागा दिखा देता हूँ कौन सा थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सीट कवर जो है ना वो कुछ इसी कलर के पैटर्न में बनने वाले हैं, और कुछ थीम्स जो है ना वो गाड़ी की वो इसी पे जा रही है, पैटर्न आपको दिखा दूं तो इसी से मिलता जुलता हमने कराया, क्योंकि सेंटर कंसोल में भी हमारा ऐसा ही सेम ये ब्लू शेड में ही है। बट पहले जैसे मेरा भाई है तो वो बोल रहा था कि भैया वैसा सिल्वर वाला करवाएंगे सीट कवर में भी और नीचे भी, यानी कि स्टेयरिंग पे भी, बट क्योंकि ये पार्ट सिर्फ यहीं पे है, सिल्वर पैनल यहाँ पे सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, बट यहाँ पर या फिर सेंटर कंसोल में थोड़ा सा ब्लू शेड ज़्यादा दिया हुआ है जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो उसी हिसाब से फिर हमने सीट कवर भी सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर स्टीयरिंग पे जो अभी रैपिंग होगी उसमें भी सेम हम थ्रेड का यूज़ करेंगे, यानी कि सेम कलर के। लो भैया तो अब स्टिचिंग बहुत धड़ाधड़ भैया स्टार्ट कर चुके हैं। फ्लोरिंग शीट जो है ना ये अब इसके ऊपर डाल दी गई है, ये देखो। बाकी आप क्वालिटी इसकी आप चेक कर सकते हो वीडियो में किस तरह से लग रही है, ये देखो। तो इसकी कटिंग करी गई है, अब इसको यहाँ पर बिठाया जाएगा। इसके नीचे ये जो कपड़ा है ये तो भाई गाड़ी में ही आया था, गाड़ी के साथ ही आता है ये वाला, इसके ऊपर ये वाला चढ़ाया गया, इसको पेस्ट करेंगे अभी। भैया इसको चिपकाओगे अभी इसको? इसको अच्छा ये इसके नीचे दब जाएगा। ओके हाँ मैं पूरा ये शॉट लूंगा अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीट होती है सीट निकाल दी गई है कवर के लिए, बाकी यहाँ से फ्लोरिंग देखो
तो ये सेंटर कंसोल भी इसके ऊपर बिठा दिया गया पूरा, इसके नीचे जो है ना ये पूरी फिटिंग हो गई है ताकि ये निकले नहीं, और यहाँ तक आप फिनिशिंग इसकी देख सकते हैं। तो भाई क्यूब ब्रांड की अपनी जो पेंट की बॉटल है वो ये रही, और अब हम यहाँ पर स्प्रे पेंट कर रहे हैं। भैया ने थोड़ा बहुत कर दिया, फिर मैंने रुकवाया, भैया शॉर्ट तो लेने दो, तो भैया करना शुरू कर दो वापस। तो भैया अब पार्शल ट्रे अपनी आ चुकी है, और मारुति जेन्युइनेस सीरीज का पार्ट है ये, यानी कि जेन्युइनेस सीरीज लगाएंगे हम अपनी गाड़ी में। अपनी गाड़ी में तो हम वैसे भी जेन्युइन लगाने वाले हैं, तो भैया आप खोल के दिखा दो जरा कि अपनी पार्शल ट्रे कैसी लगेगी इग्निस में। भैया इसमें अलग क्वालिटी क्या क्या आते हैं? एक लकड़ का भी आता है इसमें भैया। अच्छा, लकड़ का आता है। हाँ। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये अपना फाइबर होता है। ये फाइबर है। हाँ हाँ, जो कंपनी वाला। हाँ तो भाई अपने पार्शल ट्रे ये देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो अब इसमें ये डोरियाँ भी आती हैं ताकि ये हैंग हो सके ऊपर, जब भी आप खोलोगे तो साथ में उठता है, तो ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो उसको नीचे उतार सकते हो। ठीक है, सतीश भैया लगा रहे हैं इसको, अब अपने सामने हम लगवा रहे हैं। इसको फिट करना भी ईजी होता है, इसमें पहले इसका लॉक फंसा दो। ठीक है, अब इसको अगर आपको उठा, अगर इसको लगाना है तो इसमें लगा दो, या नहीं लगाना तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको इसमें जैसे हमें लगाना है, इसमें इसको इसको मैं इसमें डाल दूंगा, ये इसके साथ ही ऊपर चला जाएगा, फिर ये आप नीचे डालोगे इसके साथ ही नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शनल है भैया, आप अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। अब ये बंद कर दो, ये ब्लॉक बंद हो गया। Nice. तो देखो भैया, जब सीट कवर जो है ना लगने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बकेट सीट कवर लगवानी है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो सीट होती है कपड़े की, तो उसकी सिलाई जो है वो थोड़ी सी काटी जाती है, ताकि फिटिंग जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आ सके। सतीश भैया ऊपर बैठे हैं, और सतीश भैया का काम यहाँ पर देखो सीट कवर का कैसे चल रहा है, ये देखो। तो इनकी छोटी सी फैक्ट्री, और यहाँ पर अभी सिलाई हो रही है। कर लो भैया आप अपना काम कर लो, मैंने भैया को थोड़ी देर स्टॉप करवा दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने ये पैनल्स बन रहे ना, तो ये किसी न किसी सीट कवर के लिए बन रहे हैं, और ये ऑर्डर भी बन रहे होंगे सारे भैया। ठीक है, तो भैया एक दिन में आप कितने सीट कवर बना देते हो? 5 से 6 सीट कवर बना देते हो, है ना? नॉर्मली बनाते हैं, अच्छा ओनली बकेट सीट बनाते हो? अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे काम चल रहा है, यहाँ पर इसको 7D लुक दे रहे हैं पूरी। तो अपनी माइक की जो फिटिंग है ना, वो भी अब इसमें हो रही है, यानी कि वायरिंग की फिटिंग आ रही है। देखो कोने कोने से निकाल रहे हैं इसको, और माइक ये रहा भाई छोटा सा यहाँ पर लग जाता है। बट सच बताऊँ तो मुझे ना ये अलग से निकला हुआ माइक उतना अच्छा फील देता नहीं है, लाइक जैसे कि हाँ एक सिस्टम में जैसे होता ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और बताओ प्रदीप, और क्या क्या रह गया भाई? बस अभी ये सीट फिटिंग कर रहे हैं, उधर सीट फिटिंग हो जाएगी, और अभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हम लगवा रहे हैं, वो भी लगेंगे इसमें। और बाकी की जो चीज़ें अभी तक जैसे हुई हैं, कैसा काम लग रहा है? काम सही है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, अब जैसे जैसे रात होती जा रही है तो उनको भी, क्योंकि घर जाना है ना, आप इसलिए फास्ट कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं भाई, काम अच्छा होना चाहिए। सेंट्रल लॉकिंग हमने लगवा ली है, और उसके रिमोट यहाँ पे पड़े हुए हैं, कार्डी वाले आरडी वाले, सॉरी यार कार्डी और आरडी में ना कई बार गलती से निकल जाता है। तो अब ये सब है, बाकी ये फ्लोरिंग अभी सेट हो जाएगी जब सीट इसके ऊपर लगेगी। ठीक है, बाकी अब करने देते हैं भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाओ यार, हमें भी घर भेजो। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर जो व्हील कवर है ना, वो यहाँ पर अब देख लो किस तरह के लग रहे हैं, ये देखो। तो सुजुकी का लोगो भी अब सेंटर में लग चुका है, काफ़ी प्यारा सा ये नज़र आ रहा है, ये देखो। और बिल्कुल यार एक बारी तो ये हाइपर व्हील जैसे फील आपको दे देंगे, है तो ये प्लास्टिक के ही, यानी कि फाइबर का आता है। ठीक है, और नीचे हमने जो पेंट कराया था वो अब प्रॉपर, आप देखो प्रॉपर इसको ब्लैक करवा दिया, तो और अच्छी लुक जो है ना वो अब आ रही है। सीट कवर जो हम लगवाए ना, थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा था कि पीठ में थोड़ी सी उसमें ना जगह बची हुई है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा फोमिंग डलवा करके उसको अगर अब सेट करवा रहे हैं, उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगी फिर देखेंगे कि बैठने में अब ये कैसी लग रही है। वहीं अपने राम भाई आ चुके हैं, जो कि फेमस है भाई पूरे करोल बाग में, स्टेयरिंग व्हील पे जितने भी कंट्रोल रखते हैं वो ज़्यादातर इनके हाथ से ही लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो नीचे देख रहे हो, अभी नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसको खोल करके स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल हम लगा रहे हैं, और ये रहा प्रदीप के हाथ में, यहाँ पर देख लो सिस्टम, तो ये पूरे वर्किंग कंडीशन में कैसे काम
काम करेगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके पहले फिटिंग करने देते हैं, कपलर टू कपलर सारा काम हो रहा है, ठीक है ना राम भाई? ये देख लो ना भैया कपलर, हाँ तो ये जैसे कपलर आप देख लो, कपलर टू कपलर काम होगा। तो भाई अपने इग्निस का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, आप ये देखो हमने निकाल लिया है बाहर, और इसमें जो कंट्रोल्स है ना ये हमने लगा दिया, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, ये देखो। तो पूरे वर्किंग कंडीशन में अभी आपको हम दिखा देंगे, बाकी आप बताओ ये आपको कैसा लग रहा है। लगने के बाद और अच्छा लगेगा जब ये बीच वाला जब कवर लग जाएगा ना एयरबैग वाला, उसके बाद आप देखना इसकी फिनिशिंग। बाकी हमने जो स्टीयरिंग व्हील कवर लगाया था यानी कि रैपिंग लगाई थी, वो भी आप देख सकते हो, उसके स्टिचिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, तो काम तो फिनिशिंग के साथ हुआ है भाई, काम बढ़िया हुआ है। तो भाई फाइनली अपनी इग्निस में है ना काम अब कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली हमें कराना बहुत कुछ था, बट क्योंकि आज टाइम ज़्यादा लग गया भाई यहाँ पर, इसलिए ना थोड़े से प्लान में चेंजेस आ गए, वरना हमें बहुत कुछ आज करवाना भी था। और हमने वैसे सोच ही रखा था कि ना दो शिफ्टों में हम इसको कंप्लीट कराएंगे, बट जितनी चीज़ें आज लगवानी थी ना वो भी आज हम पूरी नहीं लगवा पाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप टाइम देख सकते हो अभी कितना हो रहा है, 10:03 हो रहा है, रात हो चुकी है भाई, अंधेर नगरी हो चुकी है। करोड़ बाग से ज़्यादातर दुकान वाले जो है ना वो जा चुके हैं, सब कुछ यहाँ से अब वहाँ तक देख लो सब बंद हो चुका है, ठीक है। तो बट अपनी गाड़ी में जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत कुछ नहीं करवाया, बट जो भी आज हुआ है वो सब दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो व्हील कवर है ना, ये देखो तो हाइपर स्टाइल में व्हील कवर लगाए गए हैं, सिर्फ व्हील कवर है भाई, और नीचे रिम पे ना ब्लैक पेंट किया गया, काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। और फॉग लाइट भी लगवाने थे, आज वो नहीं हुए जैसा मैंने फिर बता दिया। और इसके बाद जैसे मेरा भाई है तो इतना बिजी रहता है, और उसका वर्क फ्रॉम होम है भाई, तो ज़्यादा गाड़ी यूज़ हो नहीं रही है, थोड़ा धीरे धीरे ही काम करवाएंगे। वरना आपके पास बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे आप क्रोम का काम करवा सकते हो, साइड बीडिंग करा सकते हो, ठीक है, और रूफ रेल्स लगवा सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट प्लान में है, ORVM नेक्स्ट प्लान में है हमारा, रिफ्लेक्टर नेक्स्ट प्लान में है, ठीक है। ये मैं आपको साथ में ये बता रहा हूँ कि आप क्या क्या करवा सकते हो, राइट। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ जो अब हो गया, पीछे वाली सीट से आपको दिखाता हूँ इसके सीट कवर, बाकी आपको दिखा दूँ इसकी जो सीट कवर है ना, ये देखो। तो पीछे वाली सीट्स पे आप देखो, सबसे पहले आपको इसकी स्टिचिंग दिखाता हूँ किस तरह से काम हुआ पड़ा है, ये देखो, ठीक है। तो कुछ ऐसा काम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और थोड़ा सा और क्लोज करके मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो स्टिचिंग आप देखो, अभी ना थोड़ा सा ना लाइटिंग का इशू हो गया भाइयों, तो उसके लिए सो सॉरी, बट हाँ दिन में भी मैं आपको इसका दूसरे शॉट जो ना वो दिखा दूंगा, दिन में भी दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है गाड़ी, ठीक है। तो प्रॉपर आपको मैं सीट दिखा दूं, बकेट सीट यहाँ पर लगाई गई है, तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट लगवाने हो ना तो वो भी यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर स्टिचिंग आप देख सकते हो, जिपर यहाँ पर लग चुका है, ये देखो। तो इस तरह से रहने वाली है, और पीछे एक पॉकेट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी आप ना अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज करवा सकते हो, जैसा आपको मन करे आप उस तरह से बनवा सकते हो। वेलकम लाइट का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है, वो आप करवा सकते हो। यहाँ पर भी आप एम्बिएंट लाइट जो है ना वो आप करवा सकते हो, क्रोम हैंडल्स करवा सकते हो, यहाँ पर आप जो पावर विंडो के बटन है वो भी करवा सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको मैं बताता जा रहा हूँ, और सबसे पहले आपको इसकी फ्लोरिंग दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रही। अब हमें जो मैट्स लगवाने थे ना वो मैट आज हो गए हैं खत्म, बताऊंगा नहीं कौन से मैट लगवाने हैं, क्योंकि जब वो मैट आ जाएंगे ना फिर आप लगा के ही दिखाएंगे ना यार, दिखाने में ही मजा आएगा। को ड्राइवर साइड की जो सीट्स हैं ये देख लो, कुछ ऐसे डिजाइन पैटर्न में हमने इसको बनवाया है, ये देखो, ये थोड़ा सा 7D वाला जो फील है ना वो यहाँ पर दे देता है। आर्म रेस्ट हमने लगा लिया है, ये देखो थोड़ा सा सॉफ्ट सा है, स्लाइडर भी है, ठीक है। तो ये स्लाइडर है, साथ में स्पेस भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाएगा। तो भाई टेस्ला की जो स्क्रीन है ना वो यहाँ पर लगा दी गई है 9 इंची की, जैसा मैंने आपको देर में बता दिया था। T5 इसका मॉडल रहने वाला है, T7 थोड़ा सा स्लो होता है, T5 थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसर वाला होता है, वो इसमें लग चुका है। 2GB 32GB वाला ये लगा है, यानी कि 2GB RAM 32GB हार्ड डिस्क वाला आपको ये मिल जाएगा। तो टोटली आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सूट करता है, आप उस हिसाब से आप लगवा सकते हो। थोड़ी सी मैं ना इसके जो स्क्रीन टेस्ट है ना वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो मेन है इसमें क्या, हमें क्या क्या चलाना होता है, यूट्यूब चलाना होता है, गूगल मैप चलाना होता है, क्रोम कभी कभी चला लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सब कुछ अपने फ़ोन में हम कर ही लेते हैं, बाकी आप अगर ज़्यादा बोर हो रहे हो कहीं पे, गर्लफ्रेंड का ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, बीवी का वेट करना पड़ रहा है, तो नेटफ्लिक्स चला करके देख सकते हो, अमेजोन भी आप डाउनलोड इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसमें भाई प्ले स्टोर आप इसमें चला सकते हो, रन कर सकते हो, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। बाकी सेटिंग वेटिंग है यार ये सब आपको पता ही है, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा। मैप मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं करना होता, आपको अपने फ़ोन से इसको पेयर करना पड़ता है, इसको आपको हॉटस्पॉट देना पड़ता है, और बस ये
रेडी हो जाता है चलने के लिए। बाकी आप इसमें मैप में कहीं पर भी डाल लो। इसका जो पैनल है ना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से पहले मैं लैंप ऑन कर लूँ। ये देखो, तो हमने यहाँ पर जो इसकी एलईडी लाइट है ना, वो मतलब लगाई है यहाँ पर, और जो इसमें हैलोजन बल्ब आता है रेगुलर हैलोजन बल्ब, उसको चेंज करा करके बल्ब लगाया, तो काफी अच्छी लाइट भी यहाँ पर हो चुकी है। क्या डालूं, जनकपुरी डाल देते हैं। तो जनकपुरी की लोकेशन अभी मैं सर्च करूंगा इसमें, आ गया ना उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर। चलो, तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर अभी चलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई प्रॉपर अभी मैप अपना खुल चुका है यहाँ पर, देखो भाई। तो ठीक है, मतलब कि वर्किंग कंडीशन में है, ये आपको दिखा रहा था मैं। हाँ, यहाँ से आप चलोगे, यानी कि जब आप जाने लगो तो आप इसको स्टार्ट कर दो। अब ये नाइट विजन में भी आ चुका है, ठीक, देख रहे हो, तो काफी सही रहेगा। मतलब आप जैसे ये स्क्रीन लगवाते हो ना, तो सही है यार। टेस्ला की स्क्रीन भी यार पूरी नहीं है, मतलब मजा आ गया यार देख करके, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, बाकी इसमें कंट्रोल्स हैं, और हमने JBL के स्पीकर्स लगाए थे, उसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। तो भाई NCS के गाने चला दिए ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, और थोड़ी देर ही सुनाऊंगा, साथ देर सुनाऊंगा ना, सिर्फ स्पीकर मुझे टेस्ट करवाना है, इसलिए मैं अभी चला रहा हूँ। आजा अंदर आजा। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी यहाँ पर लग चुका है, जैसा मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पे, तो ये भी वर्किंग कंडीशन में है, नहीं है आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखो, ठीक है भाई, तो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है ये, और मल्टीमीडिया के जो कंट्रोल्स है ना, वो भी आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे अब मिल जाएंगे। तो भाई सेंटर लॉक जो हमने लगवाया ना, उसके साथ ये वाले रिमोट मिले हैं, बट हमें ये पसंद नहीं है, और दिन के टाइम में अब हम लगवाएंगे इसमें अपने फ्लिप की, वो बाद की बात है, हम बाद में करवाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पे ना आज देखो टाइम तो ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से चीज़ें भी हमने कम लगवाई हैं, वरना हमें और भी चीज़ें लगवानी थी, ठीक है। और दूसरा एक हमने एक पहले से सेट कर रखा था कि भाई हम दोबारा एक बार फिर से अपने सेकंड शिफ्ट में भी काम करवाने वाले हैं, बट आज तो फर्स्ट शिफ्ट वाले सारे काम नहीं हुआ है ना भाई। यस, तो क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर भी टाइम देख सकते हो यार, ठीक है। तो भाई 10:30 बजने वाले हैं, ये देखो अपनी घड़ी में भी दिखा दूँ मैं, तो प्रॉपर टाइम तो अब सही दिखा रहा। तो ये है मानिक भैया, बहुत बहुत स्वागत है कारखाना चैनल पे आपका। भैया थैंक यू सो मच। आपको पता ही है कि जैसे मैं भी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, वीडियोस बना लेता हूँ, और ये तो अपने घर की गाड़ी है, मेरे भाई की गाड़ी है, यानी कि अपनी गाड़ी है, तो यहाँ पर हम लेके आए, क्योंकि देखो सच बताऊंगा, ये भाई की वजह से मैं आपके पास आया जी भैया, ठीक है, कि भाई ने कुछ वीडियोस आपकी जरूर देखी है, तो उसने बोला कि भाई इस शॉप पे मुझे काम करवाना है, और अच्छा काम होता है जी, जो कि देखो मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा काम आपका, अच्छा लगा मुझे भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। इग्निस वाले भैया, वाह यार। तो देखो आप ही के भाइयों जैसा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आप कोई छोटे यूट्यूबर है, देखो कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता, देखो काम धीरे धीरे लगता है फेमस होने में। आज आपके सब्सक्राइबर कम होंगे, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा आप हमारी वीडियो डाल रहे हो तो आपके भी सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे। चलिए भैया, बस ये दुआ लगनी चाहिए हम, मुझे भी अच्छी बात है। तो भैया जैसे भी आप चीजें हैं, मैं चाहता हूँ एक बार आप भी बताओ कि इसमें जो भी चीजें हमने लगाई वो तो हमने चलो खैर दिखा दी, ठीक है भैया, और क्या क्या चीजें हम इंग्लिश में लगवा सकते हैं। जैसे भैया अभी भैया मेरे पास आए थे, भैया ने मुझे अपना काम बताया कि काम इनका क्या था, वो सारा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट विजिट में जो भैया ने जैसे मुझे काम बताया, एक अपना रूफ रेल हो गया, आपको पता है जो शान है, रूफ रेल है, और स्पॉइलर हो गया, ठीक है, स्पॉइलर जो कि पेंटेड में ब्लू नेक्सा ब्लू कलर में ही आएगा, हम लोग इसमें वो इंस्टॉल करेंगे, रूफ रेल इंस्टॉल करेंगे, और शार्फिन एंटीना भी कर देंगे, शार्फिन एंटीना भी इसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे, प्लस हम लोग डिग्गी पत्ती क्रोम होगी, थोड़ा सा ये अच्छा लगता है इसमें, हम लोग वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्टर्स, मैंने अभी मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रखे हैं, ओके, अभी वो मेरे पास स्टॉक आया नहीं, तो ये मैट्रिक्स वाले लगाओगे ना जब आएंगे, देखो वो पेंडिंग है, मैंने आपको पहले कहा था वो तो हमें करवाने करवाना, तो हम करवाएंगे जी, वो मेरा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया हुआ है, जैसे ही मेरे पास स्टॉक आएगा मैं भैया को अपडेट करूंगा, आप आके मेरे पास यहाँ पे लगवा सकते हैं, ठीक है। अलावा भैया मैं आगे बढ़ती हूँ कि मैं गाड़ी में क्या काम करूंगा, जो अपने एंड से करूंगा भैया से बिना पूछे, ठीक है। इसमें हम लोग रेन वाइजर्स लगाएंगे जो कि गाड़ी राइट, वो तो लग नहीं है, हाँ। नीचे के हम लोग लोअर गार्निश लगाएंगे, नीचे हम लोग ब्लैक मतलब ये जो इग्निस की साइड बीडिंग आती है, ठीक है, जो इग्निस की बड़ी वाली साइड बीडिंग आती है, हम लोग वो इसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भैया इसमें फॉग व्हील आर्च, व्हील आर्च के ये सब होगा, हाँ भैया, अगर आप वो चाहते हो पूरी साइड ग्लाइडिंग की किट आती है, साइड ग्लाइडिंग किट, अभी टू बी फ्रेंकली बताऊं भैया, अभी कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में उन्होंने कुछ डिफरेंस रखने के लिए कुछ चीजें कंपनी से बंद कर दी है, राइट, अब वो हमें नहीं दे रहे हैं, बट मैंने अभी माल लगाया हुआ है, अगर होपफुली मेरे पास माल आ जाता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो आप पूरी साइड ग्लाइडिंग जिसको बॉडी किट बोलते हैं वो आप पूरी लगवा सकते हैं। हम लोग इसमें भैया फॉग लैंप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि थोड़ा
लुक जो है बेसिकली जो गाड़ी में आता है वो फॉग लैंप्स आते हैं, हम लोग ठीक है इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने भैया को एलईडी लैंप्स के लिए बोला, ओके, व्हाइट लाइट्स हम लोग एलईडी लैंप लगा देंगे, नीचे फॉग लाइट में भी हम लोग एलईडी लैंप लगा देंगे, या अगर हो सकेगा हम इसमें प्रोजेक्टर लैंप्स प्रोजेक्टर फॉग लाइट जो होती है वो इंस्टॉल कर वो लगाएंगे। हाँ वही लगाएंगे, प्रोजेक्टर वाले लगाएंगे। गाड़ी का पता है आपको, लुक एनहांस हो जाता है, राइट। तो बेसिक जो मुझे लगता है ये काम अभी गाड़ी में भैया की पेंडिंग है। उसके अलावा भैया अगर कुछ चाहना चाहेंगे तो हम मैंने आगे सजेस्ट करा है, अगर इंटीरियर की बात करें एम्बिएंट लाइट हम लोग लगा सकते हैं, हाँ। K4 या K5 जो आज के टल के वॉइस कंट्रोल वगैरह के साथ हम लोग वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। तो गाड़ी में एक प्रीमियम लुक आ जाता है, जैसे मर्सिडीज BMW वगैरह की गाड़ी में प्रीमियम लुक आ जाता है, ओके। और इसके ORVM भी हमें चेंज कराने हैं भाई, करोल बाग में थोड़ा शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर देना, इनको भी चुप नहीं करा सकते, सारा दिन चुप थे। बाकी अगर हम बात करें, अगर मोटा काम करवाना चाहते हैं तो हम इसमें ORVMs भी चेंज कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड मिरर्स लगा सकते हैं, पीछे हम लोग इसमें पावर विंडोज मारुति की जनरल इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ड्राइवर साइड से हम लोग चारों ऑपरेटेबल देंगे, बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें ड्राइवर साइड से दोनों पावर विंडो ऑपरेटेबल है, चारों पावर विंडो आप ऑपरेट नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग चाहेंगे तो इसमें चारों की चारों पावर विंडो ऑपरेट हो सकती हैं, वो भी इसमें मारुति की जनरल इंस्टॉल कर देंगे। उसके अलावा कोई टॉप मॉडल का मीटर लगवाना चाहे, मीटर भी भैया मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आपके पास। अब ये देखो मैंने जो हम लोगों ने इसमें व्हील कवर्स इंस्टॉल करें, कितने प्रीमियम लुक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको अलॉय व्हील लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेंट कर दिया, देख सकते हैं पार्सल ट्रे हम लोगों ने, ये भी जेन्युइन रही है भाई, बिल्कुल मारुति की जेन्युइन है, हमारे पास अवेलेबल है, हम लोगों ने एंड्रॉइड इसमें T5 ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, 2GB रैम विद 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ हमने इंस्टॉल किया। कैमरा की बात करें, हम लोगों ने HD कैमरा इसमें इंस्टॉल कर दिया हुआ, हाई डेफिनेशन के साथ बहुत अच्छा व्यू मिलता है, right। टेस्ला का ही कैमरा हम लोगों ने इंस्टॉल किया, टेस्ला का ही हम लोगों ने इसमें एंड्रॉइड इंस्टॉल करा, ठीक है, तो इसको भी टेस्ट करके हम दिखा देंगे। हाँ, दूसरी बात, ये स्टीयरिंग जो हमने चेंज किया, यानी कि स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल लगाया, कंपनी से ऐसा कुछ आता है नकली सा, तो इसको हटा दिया गया, और उसके बाद हमने स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल आपको दिखा दिया था अभी कि कैसे लगे, तो काफी प्यारे से लग रहे हैं, और वर्किंग कंडीशन में तो अच्छा भी लग रहा है, प्लस उसमें लाइटिंग भी है, बिल्कुल शायद मैं वीडियो में उस टाइम दिखाना भूल गया, मतलब बोलना भूल गया, बट हाँ उसमें आपको लाइटिंग भी मिलती है जब आप इसको ऑन करते हो, पार्किंग जब आप लाइट ऑन करेंगे तो वहाँ पे लाइट्स आएंगी, क्योंकि ये कंपनी का मारुति का हम लोगों ने जेन्युइन पार्ट लगाया, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई आफ्टर मार्केट चीज लगाई है, सारी चीजें हम लोगों ने इसमें जेन्युइन इंस्टॉल करी है। किसी भी यूजर को कुछ पूछना हो मेरे नंबर पे कॉल करके कभी भी कोई भी चीज पूछना चाहे, ऐसा नहीं सिर्फ इग्निस गाड़ी के लिए, कोई भी गाड़ी हो कैसी भी गाड़ी हो आप मॉडिफाइड करवाना चाहते हो, इनफैक्ट आप अपनी गाड़ी की कैसी भी मॉडिफिकेशन चाहते हो, आप आउटर बॉडी चेंज करना चाहते हो, आप फ्रंट बम्पर्स चेंज करना चाहते हो, कैसा भी काम करवाना चाहते हो, आप मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करना, मैं सारा का सारा यहाँ पे आपको काम करके दूंगा। आप बताओ भाई प्रदीप भाई कैसा लगा काम? नहीं काम बहुत बढ़िया है, काम हम भैया के पास आए काम के लिए है, बाकी तो और कोई बात ही नहीं है, तो जैसा वीडियो में देख के आए वैसा रहा? हाँ जैसा वीडियो में देख के आए वैसा ही रहा है, और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग भैया ने कस्टमाइज भी कर दिया, तो ओवरऑल क्वालिटी वाइज ओके। क्वालिटी में तो भैया मैंने इनको इतना एश्योरेंस दिया, आपने एंड्रॉइड लगाया किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती मेरे पास आंखें बंद करके आओ, कोई भी चीज़ है मैं हट से चेंज कर दूँगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपका काम कर दिया तो हम आपको भूल गए, आप दो महीने बाद पाँच महीने बाद भी अगर आप मेरे पास विजिट करोगे, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव। बस भैया देखो मेन वही होता है कि ठीक है प्रॉब्लम तो किसी चीज़ में आ सकते हैं, बट आप सर्विस दे रहे हो नहीं दे रहे हो कैसे दे रहे हो ये उसको डिपेंड करता है, तो ये अच्छी चीज़ है अगर आप सर्विस दोगे तो भाई हम भी बार बार आएंगे, कस्टमर बार बार आता है, बिल्कुल भैया एक रिलेशनशिप तभी डेवलप होता है, ट्रस्ट तभी डेवलप हो पाता है कि अगर हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाइड करके यहाँ से बेचते हैं, राइट। तो मेरा मेन मोटो ये और आखिरी मोटो भी है कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, पैसा तो बाद में, डिस्काउंट तो दोगे ना, डिस्काउंट तो भैया कस्टमर देखो काम है जैसा भी हो बंदे को जब डिस्काउंट दोगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। डिस्काउंट की अगर आप बात करो, डिस्काउंट में व्यूअर्स को अपने वैसे भी देता हूँ जो यूट्यूब के थ्रू मेरे थ्रू आते हैं उनको मैं ऑलरेडी अच्छा ही डिस्काउंट देता हूँ, एज कम्पेटिवली मार्केट से अगर आप कंपेयर करोगे, या अगर मैं MRP की प्रोडक्ट की बात करूँगा मैं ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट पे लेस करके ही यूजर को देता हूँ, तो प्राइस की आप बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपसे ज्यादा चार्ज करें, ओके जी। तो प्रदीप अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाई कितना खर्चा हो गया आज? जी लगभग 40,000 हम बोलेंगे इसमें, 40,000 का हमारा अंडर 40,000 हम लोगों ने ये वाला सारा काम हो रहा है, काम ये भैया को जो भी काम आज आपने देखा है ना वीडियो में, तो ये लगभग 40,000 के अंदर ही अंदर सारा काम हो गया, और हमारा जो पेंडिंग रह गया वो नेक्स्ट टाइम जो होगा जब भी आप उसमें हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा काम, अब हम नेक्स्ट मंथ आएंगे और बाकी काम कराएंगे। प्रदीप वैसे देखो तुम्हारी बातों से मुझे वैसे तो पता लग चुका है, बट हमने व्यूअर्स क्योंकि मैं हर वीडियो में सबसे पूछता हूँ, तो एज ए व्यूअर या एज ए कस्टमर जैसे तुम कस्टमर हो तो मैं तुमसे भैया के लिए कोई नंबर मांगूंगा 10 में से, तो वो कितने में मुझे पता है बट मैं फिर भी पूछ लेता हूँ अपनी जनता के लिए। हाँ भाई बताओ रेटिंग क्या भैया का? तो 10/10 है, बस ये है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, 9 दूंगा, वैसे भी मैं कभी किसी को परफेक्ट नहीं देता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर परफेक्शन, राइट ठीक है, किसी को 9 ही देता हूँ, तो मैं यहाँ भी 9 दूंगा, बाकी भैया थोड़ा टाइम लगे, टाइम हम देख रहे हैं अभी, और वही है कि मैं अगर काम के लिए अगर नंबर मांगू 10 में से तो काम के लिए कैसा है? काम भी 9 नंबर, हाँ 9 नंबर
चलो मतलब ठीक है आपका काम, बस थोड़ा सा वो बोल रहे कि थोड़ा इशू है। देखो करोल बाग में अगर एक नंबर कटता है ना तो वो टाइम के लेकर ही कटता है। मैंने पहले बोला था आप पहुंचे हैं 2 बजे, तो देखो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी फ्री कर दूं, बट यू नो संडे का दिन होता है तो संडे को थोड़ी गाड़ी ज्यादा होती है, लेबर के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है कि वो कितनी जल्दी फ्री करते हैं। बाकी हमारी कोशिश ये होती है कि म्यूजर को जितना जल्दी हो सके यहाँ से फ्री कर सके। पास आ जाओ, ये भैया सतीश भैया, इन्होंने जो सीट पे जो जितना भी काम किया मैंने आपको दिखा भी दिया था, अंदर इनका सारा कुछ चल रहा था और सारा कुछ आप ही ने बनाया, बहुत अच्छी सीट लगी है हमें। और मैं आप खुद बता दूं भैया, तो देखो मुझे भी आपका काम बहुत अच्छा लगा है, ठीक है नंबर नहीं दूंगा मैं, लेकिन हाँ काम मुझको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अपनी घर की गाड़ी है उसमें काम करवाया है और मुझे सच में बहुत पसंद आया। तो मैं तभी मैं व्यूअर्स को अपने बोलूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, और एड्रेस मैं आपको एक बार दिखा दूँ या मेंशन आपको कर ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। बाकी आपको मैं शॉप थोड़ी सी दिखा दूँ, जब आप आते हो ना गंगाराम वाले रेड लाइट से तो सामने ही आपको आना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, श्री गुरु नानक कार एसेसरीज एंड मोटर, तो ये है शॉप का नाम और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो और इधर आ सकते हो भैया और उसे मिल सकते हो। बस 5 नहीं, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता, मजाक कर रहा हूँ, बाकी बढ़िया है काम यहाँ का। आप आ सकते हो, अपना बजट जो भी आप लेके आओगे ना उस बजट में काम आप करवा सकते हो, ठीक है आपको सोचनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज हमारा जो बजट था वो लगभग 40,000 के अंदर, हमने जितनी भी चीजें आज आपने देखी वो लगभग 40,000 के अंदर हो गया। तो अगर आपका बजट और ज्यादा है तो आप और भी कई सारी चीजें इसमें करवा सकते हो, बट टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर, आपके मूड के ऊपर कि आपको क्या लगवाना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करने में क्यों कंजूसी कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को यानी कि कारखाना को, अगर आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर, दोबारा चैनल सब्सक्राइब करना कभी भैया मत भूलना। हाँ तो थैंक यू सो मच भैया, बाकी चैनल सब्सक्राइब करते हैं जैसे भैया ने बोला है, और फटाफट ऐसी एक नई वीडियो में मिलते हैं और एक गाड़ी में भी जो काम होगा वो भी आपको जल्दी ही दिखाऊंगा। कैमरा टेस्ट ये देख लो, क्वालिटी आप देख सकते हो, AHD है ना, AHD तो अभी क्योंकि हाँ, तो ये देखो आप क्लैरिटी आप देख सकते हो, पीछे शॉप वॉप सब नज़र आ रहा है, पूरा नज़र आ रहा है, बॉडी भी नज़र आ रही है। We'll be right back.